अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो इनके पाए? इनके पायों की बेमिसाल है, कोई मिसाल नहीं है। अच्छा, मैं लांडी साधु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बड़े ज़बरदस्त ऑथेंटिक पाए दिखाऊंगा, जो कि उस्मानाबाद बीबी बिस्कुट फैक्ट्री के पास है। फैसल कुरैशी पाए वाले के नाम से बहुत मशहूर है। यहाँ पे लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, पूरी कराची से लोग देखने के लिए और खाने के लिए आते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। आए चल के एक्सप्लोर करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ये भाई भी हमारे पुराने कस्टमर है भाई। तो दोस्तों की देखिए भाई, और भी लिया ना हमारी भी। भाई कैसे इनके पायों की बेमिसाल है, कोई मिसाल नहीं है। अच्छा, मैं लांडी साधु खाने के लिए। लांडी साधु खाने के लिए क्या स्पेशल होता है इनके पाए? स्पेशल ऐसा होता है कि एकदम घर वाला टेस्ट है। अच्छा, साफ सुथरे और पकाने वाले भी साफ सुथरे ही है। मैं एक जमाने से आ रहा हूँ, इनके पास। अच्छा, कदीम इनका ही है। तो लांडी से स्पेशली पाए, लांडी से आते हैं संडे ही संडे आता हूँ मैं। चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम भाई, माशाल्लाह सारे पार्सल लेके जा रहे हैं। भाई ये पार्सल लेके जा रहे हैं सब दोस्तों की फरमाइश है। अच्छा, कि भाई हम लाओ तो हमारे भी ले आना। अच्छा, तो आपसे इतवार को खाते हैं जी? हम तकरीबन जो है ना, इतवार को खास हमारा प्रोग्राम होता है और आम दिनों में इनका हफ्ते में तीन दिन चल जाते हैं माशाल्लाह। क्या स्पेशल होता है? सबसे स्पेशल बात ये है कि अच्छे बने हुए होते हैं, वो जायका घर जैसा है। बहुत लाइट मिर्चे हैं, हाँ बहुत लाइट मिर्चे, यानी ऐसा नहीं है कि वो। तो माशाल्लाह हम तक बहुत पुराने लेके जा रहे हैं इनसे यहाँ पे। हम आए हैं इधर पीछे गार्डन गार्डन से, और जब लेके जा रहे हैं ये तकरीबन जहाँ होती मार्केट और ये जुबली पे कोई वहाँ पे रहता है दिल पसंद के वहाँ पे, तो सबके लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे आगे पाए देख सकते हैं, लुक तो बड़ी बेहतरीन आ रही है माशाल्लाह। तो ये हमारे साथ इसके साथ नान दिया है, नान के साथ खाते हैं और आपको रिव्यू देते हैं। ये पाए हमें दिए हैं, हम पाए खाते हैं और रिव्यू देते हैं आपको। बहुत ही गर्मा गर्म पाए। माशाल्लाह बहुत ही मजेदार है। वालेकुम फैसल भाई, ये जो आपके पाए हैं इनका क्या राज है? लोग इतने दूर दूर से लांडी से और पुरंगी से कहाँ कहाँ से लोग खाने के लिए आते हैं? भाई पाए माशाल्लाह अच्छे बने होते हैं। ये बड़े के होते हैं? हाँ, ये भैंस के पाए होते। अच्छा, तो क्या टाइमिंग है आपकी, कितने बजे से कितने? हम सुबह 6 बजे आते हैं, 9 बजे खत्म हो जाते हैं। अच्छा, तो मतलब सिर्फ संडे को होते हैं या रोज? नहीं नहीं, रोज आना। अच्छा, और क्या नाम है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? लांडी से, भैंसरोनी से। अच्छा, लियारी से। अच्छा, लियारी से आए भाई। तो इसकी लोकेशन बता देंगे, लोकेशन कहाँ है आपकी? ये उस्मानाबाद, उस्मानाबाद बीबी फैक्ट्री के पास। बीबी बिस्कुट फैक्ट्री के पास जी जी। अच्छा, तो कितने का प्लेट चल रही है? सिंगल कितने की प्लेट? अभी सिंगल जो है 200 की है, फुल 300 की है। फुल 300 की जी। तो एक बंदा या दो बंदे एक प्लेट आराम से खा लेते? हाँ, आप भी दो बंदे खा लेते आराम से। चले, बहुत शुक्रिया। कैसे होते हैं इनके पास? अस्सलाम वालेकुम।
ठीक है खैरियत से और इनके पाए तो माशाल्लाह बड़े के पाए होते हैं अच्छा और मुनासिब रेट पर है माशाल्लाह 9 बजे में भी सुबह के खत्म हो जाएंगे 2 घंटे में खत्म 2 घंटे भी मुश्किल से रहते ये 1.5-2 घंटे सवा घंटे में ये भी आप देखोगे मिकास आप आधे के करीब करीब हो गया होगा अच्छा कहाँ से है खाली नहीं आओ पीछे गली से माशाल्लाह यहाँ पर और भी पाए वाले है पर इनका पाया माशाल्लाह भी है रोजाना खाते हैं कभी कभार हफ्ते में मेरे 4 दिन पके होते हैं अच्छा अच्छा जैसे भाई के पाया मसाला बहुत मशहूर है लोग गार्डन से आते हैं घास मंडी से आते हैं अली मार्केट से आते हैं खाने के लिए सदर से आते हैं लोग पार्सल करवा कर भी जाते हैं भाई लांडी से आया होगा बिल्कुल आया होगा कोई शक नहीं है वो दूर दूर से लोग आते हैं हाँ हाँ माशाल्लाह आप खाएं आप खुद पार्सल भी लेकर जाएंगे आप एक बार खाएंगे आप पार्सल भी लेकर जाएंगे अब ये पार्सल होना इनका बुक हो गया है आज इतवार का दिन अभी खत्म आधे घंटे में देखिए भाई इस तरह रश लगा रहता है इनके पास माशाल्लाह स्पेशली संडे वाले दिन तो काफी रश होता है